बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। ओपन योर न्यू काउंटन बुक पेज नंबर 104 पे आपके एक्सरसाइज 5C के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, सना रीड अ बुक फॉर 1 आवर। सना एक बुक पढ़ती है 1 घंटे के लिए ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन वो 1 घंटे के लिए बुक पढ़ती है। 45 मिनट्स ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन वो 45 मिनट पढ़ती है बुक। एंड 35 मिनट्स ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन वो 35 मिनट्स बुक रीड करती है। फाइंड द टोटल मिनट्स शी स्पेंड ऑन रीडिंग द बुक, हमने टोटल टाइम फाइंड करना है कि उसने बुक रीड करने में कितना टाइम लगाया है। कन्वर्ट दिस टाइम इनटू हॉर्स एंड मिनट, जो टाइम आएगा टोटल टाइम आएगा उसको घंटे में और मिनट में चेंज करना है। सारा रीड बुक फर्स्ट डे फॉर 1 आवर, उसने बुक पढ़ी है पहले दिन 1 घंटे के लिए, 1 आवर लिख लेंगे। रीड बुक सेकेंड डे फॉर 45 मिनट्स एंड थर्ड डे फॉर 35 मिनट्स, टोटल टाइम शी स्पेंट ऑन रीडिंग, टोटल टाइम उसने रीडिंग पे कितना स्पेंड किया है। 1 आवर प्लस 45 मिनट प्लस 35, तीनों को हम ऐड कर लेंगे। 1 आवर का मतलब है 60 मिनट, यहाँ पे 60 मिनट लिख लेंगे। 45 मिनट 35 मिनट, टोटल हमारे पास आ जाएगा 140 मिनट। 140 मिनट्स उसने टोटल स्पेंड किए हैं तीनों दिन रीडिंग में। लेकिन अब हमने आंसर को घंटे में और मिनट में चेंज करना है। कन्वर्ट दिस टाइम इनटू हॉर एंड मिनट, अब हमने इसको हॉर में और मिनट में चेंज करना है। मिनट को हॉर और मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 पे डिवाइड करते हैं। हम 60 से डिवाइड करेंगे, 60 टू 120 आ जाएगा, 20 नीचे रिमाइंडर आ जाएगा, 2 hours and 20 minutes हमारे पास आंसर। 140 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 hours and 20 minutes। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हसन रीड अ स्टोरी बुक फॉर 1 hour 25 minutes। हसन ने स्टोरी बुक पढ़ी है 1 घंटे के लिए और 1 hour 25 minutes के लिए। एंड देन वॉच टीवी फॉर 1 hour 45 minutes, फिर उसने टीवी देखा है 1 घंटे और 45 मिनट तक। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड रीडिंग एंड वॉचिंग टीवी आल टुगेदर, उसने टोटल कितना टाइम स्पेंड किया है रीडिंग में और टीवी देखने में। गिव योर आंसर इन मिनट्स, आंसर को हमने मिनट्स में जो है वो डिफाइन करना है। हसन रीड अ स्टोरी बुक फॉर 1 hour 25 minutes, ही वॉच टीवी फॉर 1 hour 45 minutes, टोटल टाइम ही स्पेंड आल टुगेदर, टोटल टाइम उसने कितना स्पेंड किया है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। जब हम दोनों को ऐड करेंगे आंसर हमारे पास आएगा 2 hours and 70 minutes। अब हमने इस टाइम को मिनट में चेंज करना है। गिव योर आंसर इन मिनट्स, अपने आंसर को हमने मिनट में चेंज करना है। ये तो ऑलरेडी मिनट्स में है, ये हॉर को हम मिनट में चेंज करेंगे। 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 मिनट आ जाएगा। तो इसमें 70 मिनट ऐड कर लेंगे, 190 मिनट, टोटल हमारे पास टाइम आ गया 190 मिनट। फाइव क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्किप है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अशर स्पेंड 50 मिनट्स ऑन अ प्रोजेक्ट, अशर एक प्रोजेक्ट पे 50 मिनट्स स्पेंड करता है। देन सारा टुक ओवर द टास्क एंड कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट इन 55 मिनट्स 15 सेकेंड। अशर जो है वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसने 50 मिनट्स दिए हैं उस प्रोजेक्ट को, उसने 50 मिनट्स काम किया है। उसके बाद वही प्रोजेक्ट जो है वो सारा ने ले लिया है और सारा ने उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किया है 55 मिनट और 15 सेकेंड्स में। हाउ मच टोटल टाइम वॉज स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट, गिव योर आंसर इन सेकेंड, टोटल टाइम कितना प्रोजेक्ट पे स्पेंट हुआ है और अपना आंसर उसको हमने सेकेंड में चेंज करना है। हम लिख लेंगे अशर स्पेंट ऑन प्रोजेक्ट, अशर ने कितना टाइम स्पेंड किया है 50 मिनट्स, सारा कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट इन 55 मिनट्स एंड 15 सेकेंड, टोटल टाइम स्पेंट ऑन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे टोटल कितना टाइम लगा है 50 मिनट एंड 55 प्लस 55 मिनट 15 सेकेंड। इसमें हम ऐड करेंगे तो 105 मिनट 15 सेकेंड, मिनट को हम मिनट के नीचे लिखेंगे, 15 सेकेंड अलग से लिखेंगे, 105 मिनट और 15 सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने अपने आंसर को सेकेंड में चेंज करना है, ये वाला मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे। 105 को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6300 सेकंड आ जाएगा। इसमें 15 सेकंड ऐड करेंगे, 6315 सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। अपने आंसर को हमने सेकंड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आसिफ इज़ टेकिंग अ टेस्ट, हिज टीचर गेव हिम 1 hour and 30 minutes टू फिनिश। आसिफ जो है वो एक टेस्ट कर रहा है,
उसकी टीचर ने उसको 1 घंटा और 30 मिनट दिए हैं अपने टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। आसिफ हैज़ टेकन 48 मिनट्स, लेकिन आसिफ ने 48 मिनट्स में अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट, बाकी कितना टाइम रह गया है। टीचर ने उसको टाइम दिया है टेस्ट कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा और 30 मिनट्स, उसने 48 मिनट्स में अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, तो बाकी कितना टाइम रह गया है। टाइम फॉर टेस्ट 1 और 30 मिनट, आसिफ हैज़ टेकन टाइम, आसिफ ने कितना टाइम लगाया है 48 मिनट्स। टाइम लेफ्ट 1 और 30 मिनट्स में से हम 48 मिनट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा जो बाकी रह गया है। अब यहाँ पे 30 मिनट्स में से 48 मिनट्स माइनस नहीं होते, हम यहाँ से कैरी लेंगे, 1 आवर कैरी लेंगे, मतलब 60 मिनट्स कैरी लेंगे। 60 मिनट्स में 30 मिनट्स ऐड करेंगे, 90 मिनट हो गए टोटल। 90 में से 48 माइनस करेंगे तो 42 मिनट। टाइम लेफ्ट 42 मिनट।